हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो वेलकम है आपका अपने चैनल में। और यहाँ पे ये देखो, मैंने कल ये काम करके नहीं रखा ना, तो आज मेरा कितना काम बढ़ गया है। तो कल मैंने कपड़े वगैरह तह नहीं लगा के रखे। एक तो हम कहीं गए थे और फिर आए, बारिश हो गई थी, फिर बाहर पे बैठे रहे, लाइट ही चली गई थी और कपड़े सारे रखे थे यहीं पे, लाइट चली गई थी। फिर उसके बाद खाना बनाने लगे, बच्चों को पढ़ाने लगे, तो बस मतलब ये रह गया। तो अभी ये कपड़े तह लगाए हैं और ये संभाल दें। तो मतलब ये है कि अगर रात को ये काम करके ना रखो तो सुबह मतलब फैल जाता है काफ़ी ना। तो हमें इसलिए अगले दिन की तैयारी के लिए रात को ही काफ़ी काम कर लेना चाहिए, जिससे ये कि अगले सुबह काम आराम रहे। तो बस वो कपड़े मैंने रखने वाले रख दिए हैं। और ये जो ये धुलने वाले कपड़े हैं, तो ये कपड़े मैंने धुलने के लिए रख दिए हैं। और आज मुझे मतलब ये सोफ़े के कवर वगैरह भी धुलने हैं, तो इनको भी मैं निकाल दूँगी और धुल देती हूँ। इन्हें 15-20 दिन में, एक महीना तो कम ही रहता है, 15-20 दिन में धुल देती हूँ, क्योंकि यहीं पे हमारा उठना बैठना खाना पीना सब होता है। तो फिर मुझे ये लगता है कि चलो धुल देते हैं, और धूल भी इतनी आती है यहाँ। तो बस ये सामान मैंने बाहर रख दिया। और अब ये टेबल में भी इतना सब, वैसे इतना नॉर्मली रहता नहीं है मेरा घर बिखरा हुआ, आज ज़्यादा बिखरा हुआ है। चलो हो जाता है कभी कभी, है ना। और आज अरब की भी छुट्टी है, हन्नू चले गए हैं एग्ज़ाम देने, हन्नू का एग्ज़ाम है। तो बस इस तरह काम चल रहा है। और अब इसके बाद करूँगी अपना झाड़ू स्टार्ट करूँगी। तो झाड़ू लगा रही थी तो मैंने कहा चलो हल्का सा मैं जाले भी देख लेती हूँ। वैसे तो थे नहीं, बट खिड़की थोड़ा गंदी थी, खिड़की साफ़ करनी थी मुझे ना, तो मैंने कहा चलो थोड़ा हाथ ऊपर भी मार ही लेती हूँ। और तो बस क्लीनिंग, और इस रूम में ना पेंट होना है, पता नहीं होना है कि नहीं होना है, हमारे मकान मालिक कराएंगे कि नहीं, बोलो तो है उन्होंने, उन्हें कोई मिल ही नहीं रहा है पेंट वाला, नहीं तो अभी तक स्टार्ट हो जाता है, इसलिए मैं डीप क्लीनिंग भी नहीं कर पा रही हूँ। तो यहाँ पे मंदिर है, यहाँ पे मंदिर में फिर झाड़ू तो ले जा नहीं सकती, तो मैंने ये वाला ब्रश निकाल दिया है। और बाहर से भी करूँगी इसे साफ, खिड़की अंदर से करती, लेकिन वो ये यहाँ पे मंदिर है तो फिर मंदिर हटाना है ये। फिर मैंने कहा चलो इसे बाहर से आज क्लीन करती हूँ। तो बस यहाँ पर भी मैंने जाले वगैरह निकाल दिए थे जो भी थे हल्के फुल्के, और झाड़ू के साथ साथ ये काम भी होता रहे। तो क्योंकि यार खिड़की दरवाजे गंदे नहीं लगने चाहिए ना, अच्छा नहीं लगता है क्योंकि सारी गंदगी दिखती है। और फिर मैंने कब और बाहर से करी थी, मुझे मैं ना यही चीज़ भूल जाती, जैसे मशीन हटानी है तो वो भूल जाऊँगी, प्लग निकालना, तो देखा अपने यहाँ पे प्लग निकालना भूल गई थी। तो बस ये हटा दिया मैंने, और अब बाहर से मैं अच्छे से इसे साफ़ कर लूँगी। बस ये वाली बंद रह, ये वाली तो खुली रहती है, इसमें तो कुछ इतना ध्यान ही धूल वगैरह थी, पर जैसे वो वाली बंद रहती है तो उसमें ये कि जाले थे हल्के फुलके ना, तो वो मैंने साफ़ कर दिए हैं। और वैसे तो साफ़ दिख रही है, बट वो ये कि धूल वगैरह तो रहती है। तो मैंने कहा चलो कपड़े से पहले झाड़ू से मैंने कर दिया था, अब ये कपड़े से कर दूँगी। और इधर वाली खिड़की तो कूलर है, जैसे पानी वगैरह जाता है तो इसका तो पेंट वगैरह भी सारा निकल गया। तो बस कपड़े से ये धूल वगैरह साफ़ कर लूँगी, और फिर ये खिड़की के शीशे भी साफ़ कर लूँगी। ऐसा कुछ तो था नहीं, बस धूल ही धूल दी, और पानी से मतलब वो है कि मैंने गीले कपड़े से नहीं किया मैंने साफ़। तो इसके बाद मैंने फिर ये शीशे साफ़ कर लिए थे। फिर मैंने अरब से कॉलिन मंगाया, मैंने कहा कॉलिन से शीशे साफ़ कर देती हूँ। और इतनी धूल भी नहीं थी वैसे, क्योंकि जैसे करते रहो तो इतनी धूल नहीं रहती है, पर कॉलिन से ये कि शीशा चमक गया था, कॉलिन से चमक ही जाते हैं शीशे, तो कॉलिन से शीशे हमारे चमक गए थे और अच्छे लग रहे थे। अरब भी बोल रहा था कि मम्मी वाह बहुत अच्छा लग रहा है, मैंने कहा हाँ अच्छा तो लगता ही है, सफ़ाई करो तो अच्छा ही लगता है, और वैसे बच्चों को भी अच्छा लगता है, मतलब वही है घर वालों को भी अच्छा लगता है, कोई बाहर से आता हो नहीं, फिर अच्छा लगता है जब साफ़ सफ़ाई रहती है ना। तो बस ये मेरी खिड़की वगैरह सब साफ़ हो गई है, और ऊपर तो चढ़ना पड़ेगा तब होगी, और ऊपर की इतनी गंदी होती भी नहीं है, कि नीचे की ही ज़्यादा गंदी होती है ना। तो बस यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ये भी झाड़ दिया था अपना, क्या बोलते हैं, कूलर भी झाड़ दिया था, और मैंने फिर ये दरवाज़ा भी झाड़ दिया। इस दरवाजे में तो इतनी गंदगी आती है, इतनी गंदगी क्योंकि हवा से सारा धूल इसी की तरफ आती ना, तो फिर जो नीचे गिरा हुआ था और थोड़ा बहुत, वो मैंने झाड़ू लगा दिया। झाड़ू मैंने पूरी लगा दी थी वैसे नीट वहाँ तक, फिर मुझे ध्यान आया कि मैं चलो ये खिड़की साफ़ कर देती हूँ, और उसके बाद इसको भी झाड़ देती हूँ क्योंकि ये भी बाहर ही रहता है। तो इसको झाड़ के फिर मैंने बिछा दिया था, और फिर इसके ऊपर इसको इसकी जगह पे रख देंगे, नहीं तो क्योंकि फिर बच्चे को कूलर चलाना होगा ना, तो फिर चढ़ते हैं कि ये वो, तो कूलर की जगह पे रख दिया। और इसके बाद मैंने पोछा वगैरह लगा दिया था। तो फिर उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे पराठे बनाने के लिए, आरव के लिए, क्योंकि ये होता है बच्चों को तो टाइम से भूख लगी जाती है ना, तो यहाँ पे उसके लिए पराठे बना रही हूँ।
आलू के पराठे कल हनू ने ना रात को ही बोल दिया था कि मम्मी आलू के पराठे खाने, तो फिर मैंने रात को ही आलू उबाल दिया था, आलू उबाल के रख दिए थे। तो यही है कि ये आलू उबले हुए थे तो सुबह जल्द आज लेट भी उठी, क्योंकि 11 का तो स्कूल था नहीं, हनू 8:30 बजे जाता है, तो 7 बजे में उठी थी, तो 7:30 बजे मतलब उठ के आराम से पहले चाय पी, उसके बाद मैंने नाश्ता बनाया क्योंकि आलू उबले हुए थे। तो बस यही होता है कि अगर काम करके रखो, और जो काम नहीं कर रहा था तो वो फैल गया, तो यही होता है, पहले पहले ही रात को हमें तैयारी करनी पड़ती है कि क्या क्या करना है, हमें क्या क्या नहीं करना है। तो बस यहाँ पे मम्मी से आलू के पराठे बनेंगे, और हन्नू के उसमें तो प्याज नहीं डाला था मैंने, पर अपने और आरव के उसमें डाल दिया था मैंने प्याज, क्योंकि आरव अब खा लेता है ना, अब उसका टेस्ट चेंज हो रहा है, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं ना वैसे वैसे बच्चों के टेस्ट चेंज होने लग जाते हैं। तो बस यहाँ पे आलू के पराठे बन गए हैं मेरे, कपड़े धुल गए हैं, ये बेडशीट भी धुली है आज, कपड़े सारे धुल गए, लेकिन लग गई है बारिश, कहाँ डाले कपड़े, इधर भी इतने नहीं आएंगे, थोड़ी देर वेट करते कि अब तक रुक जाए बारिश ना, इस बारिश ने भी तंग कर दिया। तो कपड़े तो कहाँ से डालने थे, उसके बाद मैं आ गई थी, छोले भी मैंने भिगा दिए थे रात को ही, और अभी उबाल के फिर अब मैं छोले बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने डाला है जीरा और तेज़पत्ता, खड़ा मसाला मेरे पास कुछ भी नहीं है, और वैसे भी मैं ज़्यादा वो डालती नहीं हूँ क्योंकि बच्चे ना खाते नहीं हैं, डेली यूज़ में नहीं डालती हूँ, जैसे कुछ स्पेशल है तो डालती हूँ। यहाँ पे प्याज टमाटर लहसुन का मैंने पेस्ट बना रखा था, वो मैंने डाल दिया है, भले हम ये पेस्ट बना तो लेते हैं लेकिन इसको ना बहुत अच्छे से भूनना पड़ता है, क्योंकि ये तो कच्ची स्मेल जो रहती है ना वो रहती है, तो इसको अच्छे से मैंने भून लिया है, मतलब जब तक ये पूरा पानी सोख ना ले तब तक ये भूनना है, और फिर ये कि इसकी स्मेल वगैरह चली जाती है। और ऐसा मतलब जो शॉर्टकट में बनाना होता है तब मैं ऐसे ही बनाती हूँ, नहीं तो मैं ये देखूँ यहाँ पे अच्छे से इसकी ये सब भून गया है ना, तो अब मैंने मसाला डाल दिया, आपको फ़र्क खुद ही लग रहा होगा कि पानी पूरा सूख गया है, 4-5 मिनट तो आराम से लग जाते हैं। तो यहाँ पर ये डाल दिया है, वो मसाला मैंने उसी में भिगा के डाल दिया था, और नमक डाल दूँगी, और उसके बाद ये है कि अब ये टमाटर रह गया था कच्चा ना, उसको मैं वो कर रही थी, इसको भी बहुत ढक के इतने अच्छे से पकाना है कि इसका भी सारा पानी ना वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे मसाला मेरा अच्छे से पक गया जैसा आप देख ही रहे होंगे, और इसके बाद मैं डाल दूँगी इसमें छोले, और बन जाएंगे हमारे छोले, तो बच्चे भी खुश हो जाएंगे। और ये लास्ट भी था, डब्बा भी धुलना था, तो बस सारे डब्बे धुल गए मेरे, दाल भी ख़त्म नहीं हुई है, वैसे दाल वैसे मैंने डाली नहीं है डब्बों में ना, अभी जो दाल बाहर है वो बाहर ही है। तो यहाँ पे और लोहे की कढ़ाई में बनाओ ना, तो ये कि चाय पत्ती डालने की, चाय पत्ती का पानी डालने की ज़रूरत नहीं रहती। तो फ्रेंड्स 12:15 हो गए हैं और मेरे जाने का टाइम हो गया, जाने का मतलब हन्नू को लेने जाने का टाइम, अभी ऊपर का टाइम नहीं हुआ है, बहुत टाइम है, भगवान ना करे जल्दी आए। और आरव की भी पढ़ाई, मैथ का पेपर छूट गया उसका, बस अब एक पेपर छूट गया कि एक पेपर रह गया उसका सिर्फ, रह गया मैथ का, हाँ रह गया, खाना बन गया, छोले चावल बने हैं, और हन्नू को तो कुछ खास पसंद नहीं है, हन्नू को तो सूप पसंद है, मोटी दाल जो भी होती है, बट आरव को पसंद है छोले। और बस जाती हूँ लेने के लिए, और इसी के साथ वीडियो का भी एंड करती हूँ क्योंकि काफ़ी लंबा हो गया होगा, सुबह से स्टार्ट किया है, तो मैंने कहा चलो एंड करके जाती हूँ, तो वीडियो का एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए आते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय बाय।